आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि हाउ टू लुक ब्यूटीफुल विदाउट एनी मेकअप फॉर डार्क स्किन, लाइट स्किन एंड एनी स्किन। असलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम फजीला अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एजी ऑर्गेनिक के काफ़ी सारे ऑयल्स का रिव्यू। मुझे यकीन है, बल्कि ऑफ कोर्स आप लोग जानना चाहते होंगे कि एजी ऑर्गेनिक्स के ऑयल कितने के हैं और कैसे हैं, प्योरिस फॉर्म में हैं या नहीं, इनका रिज़ल्ट क्या है, क्या वाकई में इनका रिज़ल्ट आता है या नहीं, इन सारी बातों पर हम आज ही बात करेंगे। तो जो ऑयल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, 9 ऑयल्स हैं पूरे, उन सारे का ऑयल्स का मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिएगा और नीचे दिए गए रेड बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूँगी अपने बालों के हवाले से कि मैं अपने बालों में कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ। सो अपने बालों के लिए मैं जो यूज़ करती हूँ वो है जी है जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल, जो कि आजकल मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अच्छा, तो जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल जो होता है, ये भी आपके हेयर ग्रोथ में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि और विटामिन ई की मिकदार भी इसमें काफ़ी पाई जाती है। और आपके स्कैल्प में ये खून के दो दौरानियों को तेज कर देता है, जिसकी वजह से आपके हेयर ग्रोथ होने लगती है, आपके बाल झड़ना रुक जाते हैं। मेन रीज़न जो कि आजकल हम सब ख्वातीनों का मसला है ना, तो हेयर फॉल को ये बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि मुझे इस ऑयल से क्या फ़ायदे मिले। फ़ायदे की बात नहीं करूँगी, फ़ायदे की बात करूँगी, क्योंकि एक फ़ायदा नहीं हुआ है, मेरे हेयर ग्रोथ भी इससे बढ़ी है माशाल्लाह और मेरे हेयर फॉल भी रुक गए हैं, तो है ना मजे की बात। सेकंड मैं बात करूंगी मरूला ऑयल और अर्गन ऑयल के बारे में, जो कि बेहतरीन ऑयल है। और इन दोनों का मैंने कॉम्बिनेशन इसलिए रखा है क्योंकि मरूला ऑयल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट ऑयल होता है और आपकी स्किन में बहुत ही अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है। मीन्स कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो द बेस्ट ऑयल है। और अर्गन ऑयल जो होता है वो आपकी स्किन को दोबारा डैमेज नहीं होने देता, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है दोबारा डैमेज होने से, सही है। तो इसलिए मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन रखा है और इन दोनों ऑयल को मैं रात सोने से पहले मसाज देती हूँ अपने फेस पे, जिसकी वजह से मेरी स्किन टाइट रहती है और बहुत ही ज़्यादा ग्लो करती है मेरी स्किन, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, इस मसाज थेरेपी का मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप लोग भी अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों की सैगी स्किन हो रही है, स्किन पर रिंकल्स आ रही हैं, तो इस मेथड को ज़रूर अपनाएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। और इसके साथ ही फिर मैं मसाज देने के बाद इसे मैं जैसे वाइप से साफ़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद एक जेल अप्लाई करती हूँ, जो कि आपकी स्किन पर रिंकल्स फाइन लाइन्स को नहीं आने देगा, आपकी स्किन को टाइट रखेगा, आपकी आईज़ के नीचे जो लाइनें पड़ जाती हैं, आपके माउथ के अराउंड जो लाइनें पड़ जाती हैं उसे भी नहीं आने देगा। और मेरे जो माउथ के अराउंड ना बहुत ज़्यादा लाइन हो गई थी जब से मैंने ये जेल लगाना शुरू किया है, माशाल्लाह से वो लाइन्स यानी कि रिंकल्स मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और इस जेल को मैंने किस तरह से बनाया है चलिए बताती हूं। इस जेल को बनाने के लिए आपने सबसे पहले लेना है राइस, आप कोई सा भी राइस ले लें जो आप अपने घर में पकाते हैं खाने के लिए, वही राइस ले लिएगा, 2 चम्मच आपने लेना है। और इसके बाद आपने इसे अच्छे से वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगा देना है। 2 घंटे बाद मेरा ये चावल बिल्कुल भीग गया है, फिर मैं एक पैन लूँगी, उसमें इस राइस को पूरा डाल दूँगी। इसके बाद आप मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून के करीब लाल मसूर की दाल, मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब। फिर जी इसके बाद आपने ले लेना है फ्लैक्स सीड यानी कि जो अलसी होती है, आपने 2 चम्मच के करीब अलसी लेना है, 2 टेबल स्पून के करीब भर भर के अलसी ऐड करना है। और इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करके आपने इसे बॉईल होने के लिए रख देना है। जब तक ये हमारी जेल बनकर रेडी होती है तब तक मैंने ये अपने ही घर से एलोवेरा के लीप ले लिए हैं, इसका जेल मैं निकाल लूँगी एक बाउल में। तकरीबन आपने 3-4 टेबल स्पून के करीब आपने लेना है जेल, एलोवेरा जेल आपने लेना है। ये देखें आप लोग, Yeah.
और यहाँ पर इसी के साथ साथ मेरी जेल भी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। अब मैं इसे स्ट्रेनर की हेल्प से इसे मैं छान लूँगी और फिर इसके बाद आपने एलोवेरा जेल भी इसमें ऐड कर देना है। इन सारी चीज़ों को आपने ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके पहले ठंडा होने देना है, फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। फिर जी हमारी जेल जो है वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब आलमंड ऑयल और जी इसके बाद फिर मैं लूँगी ग्रेपसीड ऑयल। ग्रेपसीड ऑयल आपकी स्किन के लिए द बेस्ट है क्योंकि आपकी स्किन को टाइट करने में ना ये कम माल का वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टीस्पून के करीब ग्रेपसीड ऑयल और जी आपने यहाँ पर ले लेना है फिर विच हेजल। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं विच हेजल इसमें क्यों ऐड कर रही हूँ, तो अब मैं बताती हूँ बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन। मैं बताती रहती हूँ आपको, ऑयली स्किन वाले जो गर्ल्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव चीज़ें मैं बता रही हूँ जो कि आपके काम आएगी और आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए और आपकी स्किन को टाइट करने के लिए ना ये सारी चीज़ें कम माल का वर्क करेंगे। तो आपने विच जेल लेना है तकरीबन इसे भी 1 टीस्पून के करीब ऐड करना है क्योंकि इससे आपके पोर्स टाइट होंगे, आपकी स्किन टाइट होगी, आपके रिंकल्स फाइन लाइंस नहीं आएंगी और आपके जो स्कार वगैरह हो जाते हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों को हल करने में ना ये कम माल का वर्क करता है। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने एक एम्प्टी जार में, शीशे के जार में रखना है इसे फ्रिज के अंदर और ये तकरीबन आप 1 महीने तक यूज़ करेंगे फ्रिज में रख के, बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला। मैं इसे अपने फेस पे यूज़ करती हूँ, अपने हाथों पे यूज़ करती हूँ, अपने स्क्रैच मार्क्स वाली जगहों पे यूज़ करती हूँ, मुझे इसके बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं। फिर जो हमने जो चावल वगैरह और ये सारी चीज़ें जो हमने छाननी थी और इन सारी चीज़ों को आपने फेंकना नहीं है बल्कि आपने एलोवेरा के जो लीफ निकाले थे इसे भी एक ग्राइंडर मशीन में डालना है और इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर मशीन में डाल के आपने इसे पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसमें ऐड करना है, ये एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क रेडी हो जाएगा बनके आप लोगों के लिए। फिर जी आपने इसमें कोई ऑयल ऐड करना है तो यहाँ पर मैं कैस्टर ऑयल ले रही हूँ, इसे मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड करूँगी। और फिर जी इसके बाद कोई एक एसेंशियल ऑयल लेना है, आपने 4 से 5 कतरे या 10 से 12 कतरे इसमें ऐड करने हैं, तो यहाँ पर मैं 10 से 12 कतरे इसमें ऐड करूँगी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक जार में डाल लूँगी। जार वाला मैं उठा के रख दूँगी और जो बाउल में है वो मैं अपने हेयर में अप्लाई करूँगी। आपने अगर बहुत अच्छा और नाइस रिजल्ट चाहिए ना तो आपने पहले रात में जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल अपने हेयर में अप्लाई करना है और फिर सुबह उठ के इस मास्क को उसी ऑयल में आपने लगा लेना है। ठीक हो गया, उसी हेयर यानी कि तेल लगे हुए बालों में आपने इस मास्क को लगाना है, तकरीबन 2 घंटे रखना है और फिर 2 घंटे के बाद आप लोग ऑसम रिजल्ट देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरे ये सारी चीज़ें, ये सारी रेमेडी, होम रेमेडीज़ वगैरह DIY पसंद आई होंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप तो कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह।